यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द इंटरमीडिएट के लिए रिवीजन लेक्चर नंबर 2। और ये जो रिवीजन लेक्चर है ये कौन सा है? पीजीबीपी टॉपिक से। तो पीजीबीपी को आज अपन रिवाइज करने वाले हैं। सो ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, आपका पूरा ध्यान इधर होना वाला होना चाहिए। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो कि मई और नवंबर 2020 में एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए लेक्चर है। तो सबसे पहले जैसे अपन ने सीखा था, मैं थोड़ा धीरे जाऊंगा इस रिवीजन लेक्चर में। सबसे पहले हमने सीखा था सेक्शन 28 कौन सा था? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन ये बोलती थी कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में आती है। तो मैंने आपको सबसे पहला क्लॉज, आप चाहिए तो अपनी जो नोटबुक है, क्योंकि मैंने पूरा पीजीबीपी टॉपिक आपको नोटबुक में लिखवाया है, तो आप नोटबुक से फटाफट देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो प्रॉफिट एंड गेन होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, वो तुम्हारे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको कोई सब्सिडी मिलती है और या कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, या इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस है उसको अगर आप सेल करते हो तो उससे जो इनकम होगी दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से कुछ भी मिलता है, सैलरी, कमीशन, बोनस, इवन इंटरेस्ट, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। उसके बाद कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर एम्प्लॉयर को पैसा मिलता है, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। एम्प्लॉय को पैसा मिलता है और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। और अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर मान लो आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से कोई भी गिफ्ट मिलता है, परक्यूजिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर कोई बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट है और बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन होता है और उसकी वजह से आपको कोई भी पैसा मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। उसके बाद अगर मान लो कुछ ना करने के लिए पैसा मिलता है, नॉन कम्पीट फीस, जैसे आप बिजनेस ना करोगे उसके लिए कुछ पैसा मिलता है, या फिर आप नोहाउ, आपके पास कोई नोहाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, डिजाइन, फॉर्मूला है, वो आप किसी को देते हो और आप बोलते हो मैं और किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, उसके लिए आपको कोई पैसा मिलता है, जिसको मैंने बताया था नॉन कम्पीट फीस। तो नॉन कम्पीट फीस है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी हेड में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक नॉर्मल बिजनेस और स्पेक्युलेटिव बिजनेस को अलग अलग मानना चाहिए। स्पेक्युलेटिव बिजनेस किसको बोलते हैं? ऐसा बिजनेस जिसमें डिलीवरी नहीं होती है, वादे का बिजनेस होता है करके, ठीक है, जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, जैसे इंट्राडे करते हैं, इसी दिन शेयर परचेज किया, सेल कर दिया, इंट्राडे करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अब एक चीज समझना, चार बिजनेस ऐसे है जो आपको लग सकते हैं कि स्पेक्युलेटिव है, लेकिन तो भी वो स्पेक्युलेटिव नहीं माने जाएंगे। इंटरमीडिएट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट नहीं है, बट देखो चार बिजनेस ऐसे है जो स्पेक्युलेटिव लगेंगे बट स्पेक्युलेटिव है नहीं। पहला कौन सा? अगर कोई हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अब ये हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब सीए फाइनल में आएगा, तो कोई हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं रॉ मटेरियल के लिए या फिर मर्चेंडाइज के लिए या शेयर्स एंड सिक्योरिटी के लिए, तो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव। सेकंड, अगर आप कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हो या फिर आप ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव्स करते हो, आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, डेरिवेटिव्स कोई भी, या तो आपका शेयर एंड सिक्योरिटी वाला डेरिवेटिव या फिर आपका कमोडिटी डेरिवेटिव है, तो भी वो ट्रांसफर नहीं माना जाए, वो जो है उसमें आपको वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, नॉर्मल बिजनेस और स्पेक्युलेटिव बिजनेस को आप अलग अलग देखोगे, नॉर्मल बिजनेस स्पेक्युलेटिव बिजनेस को अलग अलग देखोगे, लेकिन स्पेक्युलेटिव बिजनेस किसको बोलते हैं? जिसमें डिलीवरी नहीं होती है, एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, दैट इज स्पेक्युलेटिव बिजनेस। बट ये चार बिजनेस ऐसे हैं जो लगेंगे स्पेक्युलेटिव लेकिन ये स्पेक्युलेटिव नहीं है। एक तो हैजिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक डेरिवेटिव वाला, और एक तुम्हारा डेरिवेटिव में दो टाइप का, एक तो तुम्हारा डेरिवेटिव इन कमोडिटी डेरिवेटिव जिसको MCX वगैरह अपन बोलते हैं, और एक होता है डेरिवेटिव वो शेयर एंड सिक्योरिटी वाला, उसको हम क्या करेंगे? स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं मानेंगे। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 29। सेक्शन 29 ये बोलता है कि पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालना है। बड़ा सिंपल सी बात है, ये सेक्शन बोलता है कि आप एक काम करो, सेक्शन 30 से लेके 43D तक की सेक्शन को फॉलो करो, आपको पीजीबीपी का इनकम मिल जाएगा। और हम क्या करेंगे? सेक्शन 30 से लेके 43D की सेक्शन को फॉलो करेंगे तो हमको पीजीबीपी का इनकम ऐसे भी मिल जाएगा। आफ्टर दैट सेक्शन 30 बताया था, देखो 30 से 37 तक मैंने आपको क्या बताया था, P&L के डेबिट में कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं। सेक्शन 30 से लेकर 37 तक मैंने आपको बताया था कि P&L के डेबिट में कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं, पीजीबीपी में कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं। तो सेक्शन 30 क्या बोलता था? रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग का रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर पे किया तो आपको अलाउ होता है। अब एक बात समझना, रेंट किसको अलाउ होता है? अगर ओनर खुद को तो रेंट पे नहीं कर सकता तो ओनर को अलाउ नहीं होगा, लेकिन अगर आप बिल्डिंग में टेनेंट हो तो आपको रेंट अलाउ हो जाएगा। रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर है वो दोनों को अलाउ होता है, ओनर को एज वेल एज द टेनेंट को। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो रिपेयर है ना वो करंट रिपेयर अलाउ होता है,
मतलब रेवेन्यू रिपेयर है वो अलाउ होता है, जो कैपिटल रिपेयर होता है वो अलाउ नहीं होता, क्योंकि कैपिटल रिपेयर क्या होता है वो तुम्हारी बिल्डिंग की कॉस्ट में जाके जुड़ जाता है। तो जो भी आपका बिल्डिंग का कॉस्ट रहेगा उसमें कैपिटल रिपेयर जुड़ जाएगा, करंट रिपेयर है वो अलाउ होता है। उसके बाद मैंने बताया था सेक्शन 31 में मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर है उसका आप इंश्योरेंस करवाते हो, रिपेयर करवाते हो, तो क्या खर्चा अलाउ होगा? आंसर इज यस। इंश्योरेंस ओनर ने करवाया तो भी अलाउ है, टेनेंट ने करवाया तो भी अलाउ है। रिपेयर में वही करंट रिपेयर है तो आपको अलाउ हो जाएगा ओनर को एज वेल एज द टेनेंट को। बट क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लो प्लांटेड मशीनरी फर्नीचर का रेंट पे किया तो क्या हमको रेंट भी अलाउ होगा क्या? मैं बताऊं यहाँ सेक्शन 31 में तो नहीं लिखा हुआ, बट ड्यू टू सेक्शन 37 जो आपने रेंट पे किया है और आप अगर प्लांटेड मशीनरी और फर्नीचर आप हायर पे लेते हो तो रेंट जो है वो रेंट भी आपको अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 32, दैट इज द डेप्रिसिएशन। अब एक चीज समझना, डेप्रिसिएशन अलाउ कब होता था? जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कि आप असेट के ओनर होने चाहिए, पहली कंडीशन तो ये कि आप असेट के क्या होने चाहिए? ओनर होने चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन ये कि वो असेट है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज होनी चाहिए। यू शुड बी द ओनर ऑफ दैट असेट एंड दैट असेट शुड बी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पज। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको भैया डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। एक बात बताओ, ओनर का मतलब क्या? क्या रजिस्टर्ड ओनर होना चाहिए या बेनिफिशियल ओनर भी चलेगा? मैंने बताया था ना बेनिफिशियल ओनर भी चलेगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड ओनर की जरूरत नहीं होती है। और यूज का मतलब क्या होता है? एक्टिव यूज होना चाहिए या पैसिव यूज भी चलेगा? राइट आंसर इज आपका पैसिव यूज भी चलेगा। तो अगर पैसिव यूज है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पैसिव यूज करते हो असेट को तो भी आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। एक और चीज समझना, लीज के केस में डेप्रिसिएशन कौन लेगा? तो आप अकाउंट में तो ये पढ़ते हो कि ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसर लेता है और फाइनेंसिंग लीज के केस में लेस ही लेता है, लेकिन ध्यान रखना इनकम टैक्स में ऑलवेज डेप्रिसिएशन लेसर को मिलेगा। भले वो ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंसिंग लीज हो, डेप्रिसिएशन है वो हमेशा किसको मिलेगा? लेसर को मिलेगा। तो इन इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज क्लेम बाय द लेसर। एक और बात बताओ, हायर परचेज के केस में आप ओनर कब बनते हो? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो। लेकिन ध्यान रखना आप डेप्रिसिएशन तो भी स्टार्टिंग से ले सकते हो। तो इन केस ऑफ हायर परचेज यू बिकम द ओनर ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, देन ऑल्सो यू कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग। आप स्टार्टिंग से डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन ले सकते हो। उसके बाद एक बात बताओ, डेप्रिशिएबल असेट कितने टाइप की होती थी? मैंने बोला था चार क्लास की होती है। एक तो तुम्हारा बिल्डिंग, एक तुम्हारा फर्नीचर, इंटेंजिबल असेट एंड प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल असेट एंड प्लांट एंड मशीनरी। अब एक और बात बताओ, मैंने बोला था कौन सी मेथड आपको फॉलो करनी पड़ती है? दो तरह की मेथड होती है, एक तो SLM और एक WDV। अब एक चीज समझना, अगर पावर जनरेटिंग और पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट है, मैंने क्या बोला पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट है, तो आप SLM या WDV में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ WDV मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो 99.9999% SSC ऐसे हैं जिनको WDV मेथड फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर पावर जनरेशन और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हो तो आप SLM या WDV दोनों मेथड में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। अब एक और चीज समझना सर, डेप्रिसिएशन की रेट क्या रहती है? और ये रेट जो है ये WDV मेथड की रेट से। सबसे पहला बिल्डिंग के केस में, बिल्डिंग में अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो रेट रहेगा 5%, अदर बिल्डिंग है तो रेट रहेगा 10%, लेकिन टेम्पररी बिल्डिंग है तो रेट रहेगा 40%। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स में आपका रेट रहेगा 10%, इंटेंजिबल असेट में रेट रहेगा 25%। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी में मैंने आपको क्या बताया था, मोटर व्हीकल में रेट क्या है? तो देखो मोटर व्हीकल में नॉर्मल मोटर व्हीकल जो है उसमें 15%, बट अगर हायरिंग बिजनेस के लिए यूज करते हो तो 30%। नॉर्मल मोटर व्हीकल में 15%, बट अगर आप उसको हायरिंग बिजनेस के लिए यूज करते हो तो आपका जो डेप्रिसिएशन का रेट रहेगा वो कौन सा रहेगा? 30%, 30% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक अमेंडमेंट था और वो अमेंडमेंट आपकी नोटबुक में मैंने लिखवाया हुआ है, मैंने हर चीज आपको लिखवा के दी है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल एक्वायर एंड पुट टू यूज करते हो बिटवीन 23rd अगस्त 2019 से लेके 31st मार्च 2020 तक, मीन्स एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज दोनों चीजें होनी चाहिए। कब से कब तक? 23rd अगस्त 2019 से लेके और 31st मार्च 2020 के बीच में एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज हुआ तो यहां पे 15% की जगह आपको 30% से डेप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर हायरिंग बिजनेस वाला है तो 30% की जगह 45% की रेट से आपको डेप्रिसिएशन है वो मिल जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, मोटर व्हीकल के केस में डेप्रिसिएशन की रेट क्या रहेगी?
नॉर्मल 15% हायरिंग बिजनेस है तो 30%, बट इफ एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बिटवीन 23rd August 2019 से लेके और 31st March 2020 तक, तो आपका 15% वाला है वहां 30 हो जाएगा और जहां 30 है वहां 45% हो जाएगा। सर शिप के केस में डेप्रिसिएशन की रेट रहती है 20%, एयरक्राफ्ट के केस में 40%, कंप्यूटर के केस में 40%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के केस में 40%, बुक्स के केस में क्या रहेगी 40%, उसके बाद में आपको पता है पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के केस में 40%। एक और चीज मैंने बताई विंडमिल्स के केस में, विंडमिल्स अगर 1/4/2014 से पहले इंस्टॉल किया था तो 15%, बट 1/4/2014 या उसके बाद में इंस्टॉल किया है तो आपको 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ऑयल वेल्स के केस में 15% और अदर प्लांट एंड मशीनरी जो भी रहेगा वहां पे भी 15% की रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब एक और चीज समझना, हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन का सिस्टम क्या रहता है, मींस व्हाट इज द सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन। There are two type of the system. One is the individual asset system, one is the block of asset system. तो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप SLM method follow करते हो, और SLM method सिर्फ कौन follow कर सकते हैं, power generating और power generating and distributing unit। अगर आप SLM method follow करते हो तो आपको system लगेगा individual asset system, और individual asset system जैसा आप account में करते हो कि हर asset पे अलग 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 depreciation निकालो। लेकिन अगर आप WDV method follow करते हो तो आपको block of asset system लगेगा। block of asset का मतलब क्या होता है पता है, group of asset having same rate of depreciation in same class of asset. So same class ki asset aur same rate ki asset ko ek saath le lete the, block bana dete the. That is called block of asset system. अब एक चीज समझना, जब ब्लॉक बनाने के बाद हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते थे, तो देखो आपको याद रहेगा सबसे पहले मैंने लिया था ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, और ब्लॉक का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लो, उसमें हम ऐड क्या करते थे, परचेज। परचेज मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और आपको पता है परचेज को मैं तीन पार्ट में ऐड करवाता था, एक तो एक्वायर एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, दूसरा एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। पहला कौन सा, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, दूसरा कौन सा, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, और तीसरा कौन सा, एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। तो अगर आप असेट एक्वायर्ड करते हो, पुट टू यूज नहीं करते हो, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसको ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा। और जो टोटल आता था उसमें से मैं क्या करता था, मनी पेबल को लेस करवा देता था। मींस जो सेल प्राइस होती है वो सेल प्राइस को आप लेस कर दो, जो भी बचेगा उस पर आपको डेप्रिसिएशन लेना है। और उसमें डेप्रिसिएशन आप कैसे लोगे, कि जो असेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाला है उस पर हाफ रेट से ले लो, जो पुट टू यूज वही नहीं है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और जो भी बैलेंस बचेगा उस पर आपको 40% की रेट से डेप्रिसिएशन है वो आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर असेट आप एक्वायर करते हो और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो उस पर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन पता है ये हाफ रेट वाला डेप्रिसिएशन का जो फंडा है ना, ये सिर्फ उसी ईयर के लिए लगेगा जिस ईयर में असेट एक्वायर की है। अगर आपने असेट एक्वायर इस साल की, पुट टू यूज अगले साल की, तो उस साल फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, वो हाफ वाला फंडा नहीं लगेगा। दिस हाफ वाला फंडा इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द ईयर इन विच असेट इज एक्वायर्ड। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर मान लो अमलगमेशन डीमर्जर सक्सेशन हो जाता है, एक जैसे एग्जाम्पल लिया था साई लिमिटेड शिडी लिमिटेड वाला अमलगमेशन का, तो अगर अमलगमेशन हो जाता है, डीमर्जर हो जाता है, सक्सेशन हो जाता है, तो उस केस में सर उस साल का डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा। तो मैंने बोला था पहले आप डेप्रिसिएशन को ऐसे कैलकुलेट करो जैसे अमलगमेशन डीमर्जर सक्सेशन हुआ ही नहीं है, पहले आप डेप्रिसिएशन को ऐसे कैलकुलेट करो जैसे अमलगमेशन डीमर्जर सक्सेशन हुआ ही नहीं है, और जो भी डेप्रिसिएशन आएगा दैट यू हैव टू बी बाइफर्केटेड बिटवीन प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर, मतलब पुराने वाले में और नए वाले में आपको बांटना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट यूज्ड बाय देम, मतलब जिसने जितने दिन असेट यूज की उस रेशियो में आप डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे, दोनों के बीच में बांट दोगे। That is like you have to bifurcate between predecessor and successor in the ratio of number of days asset used by them. उसके बाद हमने बोला था कि अगर मान लो depreciable asset जो block की asset है उसको बेच देते हो तो capital gain कब होता है। तो मैंने आपको section 50 बताई थी, और 50 में मैंने ये बताया था कि अगर पूरा block ही बिक गया, अगर आप पूरा ब्लॉक ही बेच देते हो, मीन्स होल असेट इज ट्रांसफर, जितनी असेट थी वो सब आपने बेच दी, पूरा ब्लॉक ही बिक गया, तो उस केस में या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस इस साल की जो परचेज है उससे कम है तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। तो अगर पूरा ब्लॉक बेच देते हो, ब्लॉक इज सीज टू बी एग्जिस्ट, ब्लॉक में जितनी असेट थी वो सब बिक जाती है, तो आइदर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप पार्ट ब्लॉक बेच देते हो, ब्लॉक में से कुछ असेट बेचते हो, तो कैपिटल गेन एक ही केस में हो सकता है कि वो कुछ असेट आपने बेची ना उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया किससे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस इस साल की परचेज से।
सो इफ यू ट्रांसफर द सम असेट, तो कैपिटल गेन आपको एक ही केस में हो सकता है इफ यूर सेलिंग प्राइस इज मोर देन ओपनिंग WDV प्लस करंट ईयर परचेज ऑफ द असेट. यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस. उसके बाद मैंने बोला था एडिशनल डेप्रिसिएशन. अब एक बात बताओ, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलता है? क्या हर किसी को मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन? ना बाबा ना. एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ चार लोगों को ही मिलता था, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, पावर जनरेशन बिजनेस में हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हो या पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में हो. अगर आप ये चार तरह के बिजनेस में हो, कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पावर जनरेशन बिजनेस, पावर ट्रांसमिशन बिजनेस या पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, तो ही आपको मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, अदरवाइज नहीं मिलेगा. एक और चीज समझना, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या आपको ऑल असेट पे मिलता है? ना, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी. एंड प्लांट एंड मशीनरी में मैं बता दूं, सेकंड हैंड पे नहीं मिलता. जो ऑफिस में यूज होती है उस पर नहीं मिलता, जो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन यूज में यूज होती है उस पर नहीं मिलता, और जिस पे आप 100% डिडक्शन ले लेते हो उस पर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, और जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उस पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता. अब एक और चीज समझना, एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन सी रेट से मिलता है आपको? 20% की रेट से. और जिस ईयर में पहली बार पुट टू यूज करते हो उस ईयर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे 20% की रेट से मिल जाता है. लेकिन एक चीज समझना, अगर पुट टू यूज है वो तुम्हारा 180 डेज से कम है, तो 10% इस साल मिलेगा और 10% अगले साल मिलेगा. मींस 10% आप इस साल लोगे और 10% आप अगले साल लोगे अगर आपका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन. अब एक और चीज समझना, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपने स्टार्ट किया कब? ऑन और आफ्टर 1/4/2015. अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और आफ्टर 1/4/2015 इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, एंड वहां पे आपने न्यू प्लांटेड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल की कब तक? टिल 31st March 2020 तक. ये मैंने बोला था इसी साल के लिए है, इस साल लास्ट साल है ये तुम्हारा 1920. तो अगर आपने आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया ऑन और आफ्टर 1/4/2015 और वहां पे आपने न्यू प्लांटेड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज किया, तो उस पे जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना वो 20% नहीं 35% मिलेगा. वहां एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% मिलेगा, लेकिन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो उस केस में 17.5% एडिशनल डेप्रिसिएशन इस साल मिलेगा एंड 17.5% एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपको अगले साल मिल जाएगा. एक और चीज समझना, मैंने बोला था जो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का बिजनेस है वो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आएगा और वहां पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो मिल जाएगा. और एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो WDV मेथड फॉलो करते हैं. अगर आप SLM मेथड फॉलो करते हो तो उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता. अब एक और चीज समझना, मैंने आपको बताया था कि किसी भी असेट की एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं. कोई भी असेट होती है उस असेट की एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए उसका परचेस प्राइस ले लो, परचेस प्राइस ले लो, उसका जो भी परचेस प्राइस है वो परचेस प्राइस ले लो, उसके साथ में जो भी आपने इंस्टॉलेशन का खर्चा किया वो ऐड कर दो, कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया तो वो ऐड कर दो. तो परचेस प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा. मैंने बोला था अगर कोई भी टैक्स पे किया तो क्या वो भी कैपिटलाइज होगा क्या? अगर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलता तो कैपिटलाइज होगा, बट अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा. अगर आपने लोन लेके असेट खरीदी, देखो अगर आपने लोन लेके असेट खरीदी तो उस केस में क्या होगा कि जो अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा और पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है वो सीधा P&L के डेबिट में चला जाएगा. उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट कोई मिल जाता है, अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाता है तो वो असेट की कॉस्ट में से क्या हो जाता था? लेस हो जाता था. जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिला वो असेट की कॉस्ट में से हम क्या कर देते थे? लेस कर देते थे. और कभी कभी ट्रायल रन का खर्चा भी होता है, पता है, टेस्ट रन का खर्चा कि मशीन काम कर रही है नहीं, तो ट्रायल रन का खर्चा किया तो वो आप क्या करोगे? ऐड करोगे. और ट्रायल रन से कोई प्रोडक्ट बना उसको बेचने से जो पैसा मिला वो आप क्या करोगे? लेस करोगे. एक और चीज समझना, अगर कोई असेट आप एक्वायर करते हो और सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट करते हो तो फिर वो एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा. जैसे मान लो 5 लाख में मैंने असेट एक्वायर की और उस पे कैश में 5 लाख का पेमेंट कर दिया तो उस केस में वो 5 लाख की असेट को मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता, उस पे मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. या फिर 5 लाख की असेट मैंने एक्वायर की और एक बंदा है, वो बंदा इंस्टॉल करने आया, उसको 20,000 मैंने कैश में पेमेंट कर दिया तो 20,000 जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है उसको मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता. यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस. उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन थी सेक्शन 43(1) की, दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरमीडिएट लेवल. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ द SLM. ये SLM वाला मेथड कौन फॉलो कर सकता है? ओनली पावर जनरेटिंग
और पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट। और एक बात बताओ, जो SLM वाली जो असेट होती है उस पे आप SLM लेते हो, अगर वो अगर आप बेच देते हो तो क्या होगा? तो देखो, मैंने आपको बताया था आपके पास जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू है WDV से कम पैसा आता है तो जो लॉस होता है उसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं, P&L के डेबिट में डालते हैं। अगर WDV से ज्यादा पैसा आता है बट कॉस्ट से कम, WDV से ज्यादा बस कॉस्ट से कम, तो वो बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं, P&L के क्रेडिट में जाता है। और अगर कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा आता है तो मैंने बताया था वो कैपिटल गेन हो जाता है। जो कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा आता है वो आपका कैपिटल गेन हो जाता है। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट टैक्सेबल है, लेकिन वो असेट से रिलेटेड है। वो असेट से रिलेटेड है तो असेट की एक्चुअल कॉस्ट में से लेस होगा। तो अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट आपको असेट से रिलेटेड मिलता है तो वो असेट की एक्चुअल कॉस्ट में से लेस होगा, बट बाकी वाले जो गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह होते हैं वो सब तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाते हैं करके, ठीक है? चलो, उसके बाद मैंने आपको बताया था सेक्शन 38 सबसेक्शन 2। इसमें मैंने ये बताया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि असेट है ना वो पार्टली बिजनेस के लिए यूज करते हो और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो, तो उसके जितने भी खर्चे होते हैं ना वो पार्टली ही अलाउ होंगे। मतलब जितना आपने बिजनेस के लिए यूज किया उतने खर्चे अलाउ होंगे, बाकी वाले खर्चे आपको अलाउ नहीं होंगे। तो इफ एनी असेट इज यूज पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस, पार्टली फॉर एनी अदर पर्पस, बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस, तो पार्टली खर्चे ही अलाउ होंगे। लेकिन एक चीज समझना, डेप्रिसिएशन भी जितना अलाउ होगा ना उतना ही ब्लॉक से लेस होगा। तो जितना डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होगा उतना ही आपके ब्लॉक से लेस होगा, बाकी वाला डेप्रिसिएशन आपके ब्लॉक से लेस नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 32AD। 32AD में मैंने आपको क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट अलाउंस। और ये सेक्शन सब लोगों को मिलती है कि अगर आपने न्यू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया है, कहाँ पे पता है, इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल ऑन और आफ्टर 1/4/2015। तो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कमेंस किया ऑन और आफ्टर 1/4/2015 इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल एंड आप 31 मार्च 2020 तक अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड इंस्टॉल करते हो तो उस न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे आपको 15% की रेट से इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर प्लांट एंड मशीनरी का मतलब न्यू होनी चाहिए, सेकंड हैंड नहीं चलेगी, ऑफिस में यूज होती है वो नहीं चलेगी, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है वो भी नहीं चलेगी, और बेटा व्हीकल्स नहीं चलेंगे और जिस पे आप 100% डिडक्शन ले लेते हो वो भी नहीं चलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, सर आप बोल रहे हो न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल करेंगे उस पे 15% इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा, तो सर डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है वो मिलेगा या नहीं? अरे भाई वो तो मिलता ही रहेगा, जो डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो तो मिलता ही रहेगा, ये तो इन एडिशन टू द डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन है, तो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस 15% मिल जाएगा। उसके बाद में एक और चीज समझना है यहाँ पे कि भैया जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी आप खरीदोगे ना उसको 5 साल तक बेच नहीं सकते, 5 साल तक आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने 5 साल में उसको बेच दिया तो जितना इन्वेस्टमेंट अलाउंस पहले आपने लिया था वो वापस से आपका टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में आपने उसको बेचा। तो जो भी न्यू प्लांटेड मशीनरी है उसको आप बेच नहीं सकते फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर आपने बेचा तो जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस पहले आपने क्लेम किया था वो वापस से आपका PGBP का इनकम बन जाएगा इन द ईयर इन विच दैट इज ट्रांसफर्ड। उसके बाद में लेकिन अमलगमेशन डीमर्जर हुआ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अमलगमेशन डीमर्जर सक्सेशन है तो उस केस में चलेगा, वो वायलेशन नहीं माना जाएगा। बट जो नई कंपनी है उसको वो 5 साल वाले रेस्ट्रिक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, जो नई कंपनी है उसको वो 5 साल वाला रेस्ट्रिक्शन जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट ऑन दैट? यस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, सर देखो डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन तो अगर असेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज रहता है तो हाफ रेट से मिलता है, तो क्या इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी हाफ रेट से मिलेगा? ना बाबा ना, इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो आपको पूरा 15% की रेट से है वो मिल जाएगा। आफ्टर दैट देयर इज वन सेक्शन, दैट इज द सेक्शन 35। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द साइंटिफिक रिसर्च। अब एक बात होता है, साइंटिफिक रिसर्च को जो मैंने आपको चार्ट लिखवाया अपने बुक में, देखो वहां मैंने आपको 2 पार्ट में बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि लाइक इन हाउस रिसर्च का मतलब क्या होता है, आप अपने बिजनेस के लिए रिसर्च कर रहे हो, तो आप अगर अपने बिजनेस के लिए रिसर्च करते हो दैट इज कॉल्ड इनहाउस रिसर्च। और इनहाउस रिसर्च में 2 पार्ट, एक था रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और एक था रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब एक बात बताओ, रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस में देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% डिडक्शन और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड को छोड़ के बाकी पे 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो देखो इनहाउस रिसर्च, रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस जो है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन और कैपिटल में लैंड को छोड़ के और बाकी पे 100% डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा। बट रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस कमेंस करने से पहले कोई रिसर्च किया है तो क्या उसका भी डिडक्शन मिलता था? आंसर इज यस, लास्ट 3 ईयर्स का, मीन्स मैक्सिमम 3 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर इज अलाउड। और उसमें मैंने क्या बताया था, रेवेन्यू में सिर्फ मटेरियल
एंड सैलरी का, और सैलरी में भी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट, वो वाले खर्चे का 100% डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी वाले पे 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस था ना, जो एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस में वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और रिसर्च अप्रूव्ड है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और रिसर्च अप्रूव्ड है फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस एंड रिसर्च अगर अप्रूव है, तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 150% डिडक्शन मिल जाएगा। ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 150% है वो डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के, देखो लैंड पे तो ऐसे भी डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन जो बिल्डिंग वाला पार्ट है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो बिल्डिंग पे 100% तो मिलेगा ही ना, जो अपन ने नॉर्मल पढ़ा था, और बाकी वाले जितने भी खर्चे हैं उस पे आपको 150% है, वो 150% की रेट से डिडक्शन है, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था, अगर आप डोनेशन करते हो किसी और को, अगर आप डोनेशन करते हो तो भी आपको डिडक्शन मिलता है, दैट इज डोनेशन टू आउटसाइडर। सबसे पहले मैंने बताया था कि राहुल आईसीयू मींस रिसर्च एसोसिएशन, आप डोनेशन किसको कर रहे हो, तो अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को, इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को डोनेशन करते हो, और अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप डोनेशन करते हो तो आपको 150% डिडक्शन मिलेगा। आप अगर सोशल स्टेटिस्टिकल रिसर्च के लिए डोनेशन करते हो तो आपको 100% डिडक्शन है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी IIT नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन करते हो तो आपको 150% डिडक्शन मिलेगा, और किसी इंडियन कंपनी को करते हो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज्ड है और उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप डोनेशन करते हो तो आपको 100% डिडक्शन है, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको दो छोटी छोटी सेक्शन और बताई थी, 35CCC और 35CCD। 35CCC क्या थी, दैट इज द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, एंड 35CCD इज फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब एक चीज समझना, दोनों में 150% का डिडक्शन मिलता था, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग पे दोनों में डिडक्शन नहीं मिलता, दोनों ही सेक्शन में लैंड बिल्डिंग पे डिडक्शन नहीं मिलता, बाकी वाले पे 150% डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, जो पहली वाली सेक्शन थी, दैट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट वाली, दैट सेक्शन वॉज एप्लीकेबल टू ऑल SSC, बट स्किल डेवलपमेंट वाली जो सेक्शन थी, दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू द कंपनी, वो सिर्फ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल थी। उसके बाद मैंने आपको सेक्शन बताई थी, सेक्शन 35D इज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक बात बताओ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चे जो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम होते हैं, जैसे आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई, मार्केट सर्वे करवाया, इंजीनियरिंग सर्विस ली, या MOA AOA का ड्राफ्टिंग प्रिंटिंग का खर्चा है, या एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द शेयर और डिवेंचर इशू एक्सपेंडिचर है, वो तुम्हारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन क्या सबको मिलेगा, आंसर इज यस, सबको मिलेगा, लेकिन रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन है वो सिर्फ रेजिडेंट पर्सन है, वो रेजिडेंट पर्सन को ही मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज समझना, कितना मिलेगा, क्या पूरा मिल जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन, आंसर इज नो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जितना खर्चा किया और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जितना खर्चा किया एंड 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर है, उतना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एक और चीज समझना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चे का डिडक्शन एक साथ नहीं मिलता, 5 equal installment में मिलता है। जो 5 equal installment है, जो 5 equal installment है, वो 5 equal installment में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर इंडियन कंपनी है तो ये 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हो, तो इंडियन कंपनी के केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी ज्यादा रहेगा उसका 5% लोगे, और एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर करोगे, और वो 5 equal installment में अलाउ हो जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, कि जो भी आपने नया बिजनेस चालू किया है, नया प्रोजेक्ट चालू किया है, या पुराने प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन किया है, या नया यूनिट सेटअप किया है, उसमें जितना फिक्स एसेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये तुम्हारे कैपिटल एम्प्लॉयड में आ जाएगा। उसके बाद एक और चीज समझना, सेक्शन 35DDA इज रिलेटेड टू द VRS का खर्चा। जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का पे अगर आप कोई खर्चा करते हो, तो वो खर्चे का डिडक्शन है, वो आपको 5 equal installment में मिल जाएगा, एंड दिस डिडक्शन इज अलाउड टू ऑल SSC, सबको मिलेगा, इंडिविजुअल है, चाहे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, सबको मिल जाएगा, 5 equal installment में आपको डिडक्शन मिलेगा। अब एक और चीज समझना, अगर कुछ अमलगमेशन डीमर्जर हो जाता है 5 installment होने से पहले पहले,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज वेल एज द वीआरएस में। अगर 5 साल हुए नहीं थे, 2 साल ही हुए थे और अमलगमेशन हो गया, तो रिमेनिंग वाली इंस्टॉलमेंट है वो न्यू कंपनी को मिल जाएगी। तो अमलगमेशन डीमर्जर के केस में जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो न्यू कंपनी को मिल जाएगी। लेकिन एक बात समझना, वीआरएस के केस में तो अगर सक्सेशन भी हुआ, जैसे प्रोपराइटर से कंपनी बना या फिर पार्टनरशिप फर्म से कंपनी बना या कंपनी से एलएलपी बना, तो उस केस में रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो नए वाले एसएससी को अलाउ हो जाएगी। उसके बाद एक सेक्शन पड़ी थी 35AD। 35AD वॉज रिलेटेड टू स्पेसिफाइड बिजनेस, ये सेक्शन बड़ी बड़ी सेक्शन थी। और इसमें अपन ने पढ़ा था कि कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस ऐसे हैं जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। देखो, रेवेन्यू पे डिडक्शन तो दुनिया देती है, यहाँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम आपको 100% डिडक्शन दे देंगे। लेकिन ये कौन कौन से बिजनेस थे? तो सबसे पहला ये था कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और फिश प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा मैंने बोला था वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तीसरा पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन। चौथा हॉस्पिटल होना चाहिए 100 बेड और मोर वाला, होटल होना चाहिए 2 स्टार और अबोव कैटेगरी, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट और हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, बी कीपिंग, बी हनी, बी वैक्स वाला बिजनेस। एंड उसके बाद में तुम्हारा कंटेनर डेपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, वेयरहाउसिंग फॉर सुगर, वन मोर दैट प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर, स्लरी पाइप line for the transportation of iron ore, semiconductor wafer fabrication manufacturing unit and new infrastructure facility. Totally 14 business aise hai jisme aapko capital expenditure pe 100% deduction milega. देखो, रेवेन्यू पे तो दुनिया देती है, लेकिन ये 14 बिजनेस ऐसे हैं जिसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहेगा ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको 100% डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, बिजनेस कमेंस करने से पहले जो खर्चे किए थे उस पे भी, उन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी 100% डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। तो कोई भी एक्सपेंडिचर आपने इंकर किया था बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, तो जिस ईयर में आपने बिजनेस कमेंस किया उस ईयर में उन पे भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा। आपको बुक्स में बस कैपिटलाइज करके रखना है, तो आपको 100% डिडक्शन उस पे मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना कि सर, क्या ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज नो। 3 को छोड़ के, लैंड पे नहीं मिलेगा, गुडविल पे नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलेगा। लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे इन बिजनेस में, उन पे आपको 100% डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशंस थी। कंडीशन ये थी कि ये जितने भी बिजनेस है ये न्यू होने चाहिए। ये ऐसे नहीं होने चाहिए कि पुराने बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन स्प्लिट अप करके बना दिया, नहीं, नए बिजनेस होने चाहिए। और एक और चीज समझना, ये जो जितने भी बिजनेस थे उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी लगेगी ना, वो सब न्यू होनी चाहिए। ये जितने भी बिजनेस थे उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी लगेगी, वो सब प्लांट एंड मशीनरी आपकी न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं चलेगी। लेकिन एक चीज समझना, टोटल प्लांट एंड मशीनरी में 20% तक सेकेंड हैंड हो सकती है, चलेगा। या फिर इंडिया के बाहर से जो आपने इंपोर्ट किया, इंडिया के बाहर से आपने सेकेंड हैंड इंपोर्ट किया, तो भी वो नया ही माना जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो इंडिया के बाहर से आपने कोई इंपोर्ट किया प्लांट एंड मशीनरी, वो सेकेंड हैंड है, तो भी वो न्यू ही माना जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। उसके बाद में एक और चीज समझना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप मान लो न्यू प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी खर्चा करते हो, कैपिटल खर्चा, 100% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मान लो सिंगल डे में सिंगल पर्सन को पेमेंट करते हो और 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया, तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब 10,000 से ज्यादा का अगर पेमेंट है, तो इट शुड बी मेड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी नोटिफाइड। उसके बाद में एक बात बताओ, अगर आप 35AD में डिडक्शन लेते हो तो क्या आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा? क्या आंसर इज नो, कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस जो होते हैं ना, ये 14 बिजनेस, इसमें जो भी लॉस होता है वो लॉस सिर्फ ये स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेटअप हो सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस, वो 14 बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेटअप हो सकता है। और जो भी लॉस बाकी बचेगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? अनलिमिटेड ईयर्स तक। आप इसको अनलिमिटेड ईयर्स तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर द अनलिमिटेड ईयर्स, आप अनलिमिटेड ईयर्स तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद में एक और चीज समझना, ये जो तुम्हारा जो बिजनेस था पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन वाला, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन थी कि ये बिजनेस है ये सिर्फ इंडियन कंपनी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ये जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडियन कंपनी या ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और वो जो बिजनेस है वो क्या करना पड़ेगा पता है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए। और पाइपलाइन की कुछ कैपेसिटी का, कुछ पार्ट जो है पाइपलाइन का, वो क्या करना पड़ेगा उनको पता है? कुछ पार्ट जो पाइपलाइन की कैपेसिटी का है वो दूसरों को भी यूज करने देना पड़ेगा। अगर मान लो HPCL बोलता है या इंडियन ऑयल बोलता है यूज करने देना पड़ेगा, तो जैसे रिलायंस का पाइपलाइन है तो उसको दूसरों को भी कुछ पार्ट यूज करने के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि कोई भी असेट जो स्पेसिफाइड बिजनेस में खरीदी जाती है,
तो जिस ईयर में एक्वायर की जाती है उस ईयर से लेके 8 ईयर्स तक आप उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं ले जा सकते। अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ले गए तो उस केस में क्या होगा पता है, जितना डिडक्शन पहले आपने लिया था 35AD में वो डिडक्शन और माइनस करो डेप्रिसिएशन अलाउबल, अगर 35AD नहीं लिया होता तो कितना डेप्रिसिएशन अलाउ होता वो लेस कर दो, जो बचेगा वो PGBP का इनकम माना जाएगा। और एक बात बताऊं, उधर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या होगा पता है कि उतना ही एक्चुअल कॉस्ट आएगा, मतलब उसमें ब्लॉक में जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा जो उस असेट की कॉस्ट थी और माइनस अगर डेप्रिसिएशन अलाउ होता उस नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में तो कितना अलाउ होता वो अपन लेस कर देंगे, जो भी बचेगा दैट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। उसके बाद में एक और चीज समझना, ये स्पेसिफाइड बिजनेस की जो असेट होती है ना, अगर उनको आप बेच देते हो, स्पेसिफाइड बिजनेस की जो असेट होती है उसको अगर आप कभी भी बेचते हो 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी, तो सेलिंग प्राइस सीधा तुम्हारे PGBP में टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 36 इज अ सर्टेन डिडक्शन। अब एक बात समझना, 36 में कुछ खर्चों का डिडक्शन मिलता है, कौन कौन सा? सबसे पहले आपने अगर आपने के स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया तो क्या प्रीमियम अलाउ होगा? आंसर इज यस। तो स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करवाया तो आपको प्रीमियम अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक और बात बताओ, एम्प्लॉय के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है एम्प्लॉयर, तो क्या उसका भी प्रीमियम अलाउ होगा? आंसर इज यस। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन वहां कंडीशन ये थी कि प्रीमियम शुड बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। अब एक और चीज समझना, बोनस एंड कमीशन आपने एम्प्लॉय को दिया, अगर आपने एम्प्लॉय को बोनस एंड कमीशन दिया तो क्या वो अलाउ होता है? आंसर इज यस। एम्प्लॉय को बोनस एंड कमीशन दोगे वो अलाउ तो होगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन था पता है, कि प्रीमियम शुड बी पेड अप टू द ड्यू डेट, सॉरी बोनस एंड कमीशन जो था वो आपने एम्प्लॉय को दिया तो अलाउ तो हो जाता है, लेकिन वहां पे एक सेक्शन टांग अड़ाती थी 43B, और 43B क्या बोलती थी कि बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉई इज अलाउड बट इट शुड बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अदरवाइज वो अलाउ नहीं होगा। याद आया आपको 43B टांग अड़ाती थी। अब एक और चीज समझना, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने कहीं से लोन लिया और उसका इंटरेस्ट है तो क्या इंटरेस्ट भी अलाउ होता है? आंसर इज यस, इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें दो पार्ट, अगर वो लोन आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया तो अलाउ नहीं होगा, बट बिजनेस ऑपरेशन पर्पस के लिए यूज किया है तो इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने जो लोन लिया है वो शेड्यूल बैंक से लिया है, PFI से लिया है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से लिया है तो इंटरेस्ट अलाउ तो होता है, लेकिन वहां पे वो एक सेक्शन 43B टांग अड़ा देती थी और वो बोलती थी कि अगर आपने अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपने इंटरेस्ट पे किया तो ही वो अलाउ होगा, अदरवाइज वो इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। बट अगर आपने लोन किसी और से लिया है, रिलेटिव वगैरह से, तो इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, भले आपने पे किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने बोला था डिस्काउंट ऑन द जीरो कूपन बॉन्ड्स, जो जीरो कूपन बॉन्ड्स का डिस्काउंट होता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हैं कि जो आप प्रीमियम, जो आप क्या करते हो कि लाइक डिस्काउंट पे इशू करते हो और पार पे रिडीम करते हो, 80 रुपए में इशू हुआ 100 रुपए में रिडीम होता है, दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स का जो डिस्काउंट है उसका कंपनी को डिडक्शन मिलता है ऑन द प्रो रेटा बेसिस। पहले आप एक काम करो, उसका लाइफ कितना है वो देखो और जितना डिस्काउंट है उसको डिवाइड बाय लाइफ कर दो, जितने मंथ आते हैं कैलेंडर मंथ, इस साल में जितने कैलेंडर मंथ फॉल होते हैं उतना डिस्काउंट इस साल अलाउ हो जाएगा, बाकी वाला अगले साल है वो अगले साल अलाउ हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। एक बात बताओ, एम्प्लॉयर बहुत बार एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए पैसा लगाता है, जैसे कभी प्रोविडेंट फंड में डालता है, ग्रेचुटी फंड में डालता है, तो क्या एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा या नहीं? आपको याद रहेगा मैंने दो पार्ट में बताया था कि एम्प्लॉयर ने अगर पैसा डाला वो किसके लिए डाला, अगर SPF में डाला स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड, या फिर RPF में डाला रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, या अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, तो SPF में डाला, RPF में डाला, AGF में डाला, ASF में डाला, या किसी और फंड में डाला जो लॉ का रिक्वायरमेंट था, तो खर्चा अलाउ है। लेकिन अगर मान लो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाला, या अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में डाला, अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में डाला, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रिकॉग्नाइज SPF में डाला, RPF में डाला, AGF में डाला, ASF में डाला, तो उस केस में अलाउ हो जाएगा, लेकिन वहां पे कंडीशन थी, सेक्शन 43B टांग अड़ाती थी कि वो पेमेंट करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो ये अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। उसके बाद अगर एम्प्लॉयर ने पेंशन स्कीम में पैसा डाला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम होती है ना, जो ATCCD में भी अपन देखते हैं, अगर पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पैसा डाला तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा पता है, जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय का पैसा अपनी जेब में डाल के रखता है, बोलता है मैं ग्रेचुटी फंड में वगैरह डाल दूंगा या PF में ESI में डाल दूंगा। अब एक बात समझना, एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय का पैसा अपनी जेब में डाल के रखा है वो पैसा जमा करवाना पड़ेगा उस फंड में अप टू द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड, वो फंड की ड्यू डेट तक जमा करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो एम्प्लॉयर की क्या बन जाएगी, इनकम है वो इनकम बन जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स यूज इन द बिजनेस बट अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, आपके बिजनेस में अगर एनिमल यूज होते हैं
जैसे तबेले के बिजनेस का मैंने एग्जांपल दिया था, और वो एनिमल्स का डिडक्शन कैसे मिलेगा, उस पर डेप्रिशिएशन तो मिलता नहीं, तो उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? तो वो एनिमल का डिडक्शन आप ले सकते हो जिस ईयर में वो एनिमल या तो मरता है या जिस ईयर में परमानेंट यूजलेस हो जाता है। तो जिस ईयर में वो एनिमल मर जाता है या परमानेंट यूजलेस हो जाता है उस ईयर में आप उसका डिडक्शन ले सकते हो, जिस ईयर में वो मरता है या परमानेंट यूजलेस हो जाता है उस ईयर में आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। डिडक्शन कैसे लोगे? कॉस्ट ऑफ दैट एनिमल माइनस जो स्क्रैप वैल्यू है वो लेस कर दो, जो बचेगा उतना डिडक्शन आप ले सकते हो। अब एक और चीज समझना, बैड डेट्स। सर एक बात बताओ, बैड डेट्स का हम डिडक्शन ले सकते हैं? आंसर इज यस, बैड डेट्स आप पीएनएल के डेबिट में डाल सकते हो, लेकिन बैड डेट्स सेल्स से रिलेटेड है तो ही आप डिडक्शन ले सकते हो, अगर वो लोन से रिलेटेड है तो आप डिडक्शन नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपका मनी लेंडिंग का ही बिजनेस है तो लोन से रिलेटेड बैड डेट्स है उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो अलाउ ही नहीं होगा, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो तो अलाउ ही नहीं होगा, आपका जो एक्चुअल बैड डेट्स है वो अलाउ होगा, और वो भी सेल्स से रिलेटेड बैड डेट्स है तो आप डिडक्शन ले सकते हो, अगर लोन से रिलेटेड बैड डेट्स है तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, उसके बाद मैंने बोला था बैड डेट्स का अगर रिकवरी हो जाता है तो, बैड डेट्स आपको अलाउ हो गया और थोड़े टाइम बाद बैड डेट्स का रिकवरी हो गया, तो मैं बताऊं बैड डेट्स का रिकवरी विल बी टैक्सेबल। बैड डेट्स का अगर रिकवरी होता है वो रिकवरी टैक्सेबल होगा, और वो कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में बैड डेट्स आपको रिकवर होगा, भले उस ईयर में आपका वो बिजनेस है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट बैड डेट्स का जो रिकवरी होगा वो रिकवरी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद फैमिली प्लानिंग के जो खर्चे होते हैं वो अलाउ होते हैं सिर्फ कंपनी को, और अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उस केस में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो आपको 100% अलाउ हो जाएगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कंपनी को 5 equal इंस्टॉलमेंट में फैमिली प्लानिंग का खर्चा अलाउ होगा। एसटीटी और सीटीटी देखो, कैपिटल गेन में तो अलाउ होता है, बट बिजनेस में एसटीटी सीटीटी अलाउ हो जाएगा। अगर आपका कमोडिटी और सिक्योरिटी ट्रेडिंग का बिजनेस है तो एसटीटी सीटीटी यहां पे अलाउ हो जाएगा। उसके बाद मार्क टू मार्केट लॉसेस और अदर एक्सपेक्टेड लॉसेस है, अगर वो आईसीडीएस के हिसाब से तो अलाउ है, अदरवाइज वो तुम्हारे डिसअलाउड हो जाएंगे, बट आईसीडीएस वगैरह अपने सिलेबस में नहीं है। उसके बाद लास्ट सेक्शन इज 37, दैट इज द जनरल डिडक्शन। अब एक बात बताऊं, बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो अभी तक कवर नहीं हुए, तो क्या वो खर्चे 37 में अलाउ होंगे? 37 बोलती है कि तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, वो खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो खर्चा रेवेन्यू होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, वो खर्चा लीगल होना चाहिए। अगर तीनों ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो खर्चा यहाँ पे अलाउ हो जाएगा, यहाँ पे वो खर्चा अलाउ हो जाएगा। लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। उसमें एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो CSR का खर्चा होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर, जैसे पेड़ पौधे वगैरह हम लगाते हैं, CSR का खर्चा करते हैं, तो क्या वो अलाउ होगा? आंसर इज नो, CSR का खर्चा अलाउ नहीं होगा, ऐसा स्पेसिफिकली यहाँ बोला है। CSR का खर्चा है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता, वो अलाउ नहीं होगा। उसके बाद में आपने कोई एडवर्टाइजमेंट किया तो वो खर्चा अलाउ होगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अलाउ तो होता है, लेकिन ध्यान रखना किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर न्यूज़पेपर, ब्रोशर, पैम्पलेट, सोविनियर में आपने एडवर्टाइजमेंट किया तो खर्चा अलाउ नहीं होगा। आपने एम्प्लॉई को गिफ्ट वगैरह दिया, वो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दिवाली पूजा का खर्चा होता है, वो अलाउ हो जाएगा। आपने एम्प्लॉई को सैलरी दी, अलाउ हो जाएगा। पार्टनर को सैलरी दी, वर्किंग पार्टनर है तो अलाउ हो जाएगा। डायरेक्टर को सैलरी दी तो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज समझना, सर हम जो खर्चा करते हैं, मतलब टैक्सेस का, जो हम टैक्स पे करते हैं, तो क्या टैक्स पे करते हैं वो भी अलाउ होता है क्या? तो देखो, टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स तो अलाउ ही नहीं है क्योंकि वो पर्सनल टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स इज पर्सनल एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट टैक्स इज नॉट अलाउड। तो डायरेक्ट टैक्स पे जो आप खर्चा करते हो वो अलाउ नहीं है, डायरेक्ट टैक्स इज नॉट अलाउड। इनडायरेक्ट टैक्स अलाउ हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, इनडायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, लेकिन पेनल्टी तो कोई अलाउ ही नहीं होगा। जो पेनल्टी है वो पेनल्टी तो कभी कोई अलाउ नहीं होगा, लेकिन एक चीज समझना, पेनल्टी भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, और एक होता है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ है तो अलाउ नहीं होगा, बट पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो अलाउ हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। तो पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अलाउड, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ नॉट अलाउड, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज द अलाउ। अब एक और चीज समझना, आप लोग जो ऑडिट फीस वगैरह पे करते हो वो अलाउ होगा या नहीं? आंसर इज यस, अलाउ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, मैंने बोला टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउ होंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का इंटरेस्ट है वो अलाउ होगा, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है कि भैया 43B यहां पे भी टांग अड़ाएगी कि अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किया तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 40 पे आए थे हम, और मैंने बताया था कि अगर मान लो सबसे पहले आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो और नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो और उसका अगर आपने TDS नहीं काटा इस साल, या फिर TDS काटा इस साल बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो 100% खर्चा इस साल में डिसअलाउड हो जाएगा। सो इफ एनी अमाउंट इज पेड और क्रेडिटेड टू द नॉन रेजिडेंट एंड इफ TDS इज नॉट डिडक्टेड और TDS डिडक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, देन 100% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा।
लेकिन अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट करते हो और टीडीएस नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, 70% अलाउ हो जाएगा। अब एक चीज समझना, अगर आप टीडीएस सबसिक्वेंट ईयर में काट के जमा करवाते हो, ड्यू डेट के बाद में जमा करवाते हो, तो उस केस में क्या होगा, जिस ईयर में फिर टीडीएस जमा करवाओगे उस ईयर में जितना पहले डिसअलाउड हुआ था 100% और 30%, वो उस ईयर में अलाउ हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एक और कंसेप्ट ये बताया था कि मान लो आपने टीडीएस नहीं काटा, आप नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, आपने टीडीएस नहीं काटा, बट आगे वाला बंदा बड़ा ईमानदार था, आगे वाले ने क्या किया, इनकम को इनकम में कंसिडर कर दिया, उस पर जो टैक्स आता था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया, उसने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया, और आप सीएसए एक सर्टिफिकेट लेके आ जाते हो, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि आपने टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को जमा करवाया उस दिन जिस दिन उसने अपना रिटर्न फाइल किया। तो आपने किसी को पेमेंट किया नॉन रेजिडेंट को या रेजिडेंट को, और आपने टीडीएस नहीं काटा, बट आगे वाले बंदे ने क्या किया, इनकम में इनकम को कंसिडर कर दिया, उस पर टैक्स आता था वो पे कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया, और आप सीए का एक सर्टिफिकेट ला के दे देते हो, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि आपने टीडीएस काटा है और गवर्नमेंट को जमा करवाया उस दिन जिस दिन उसने अपना रिटर्न फाइल किया, और अकॉर्डिंगली जो आपको पहले डिसअलाउड हुआ था 100% या 30% वो उस ईयर में अलाउ हो जाएगा जिस ईयर में वो पेई ने अपना रिटर्न फाइल किया। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव कोई फीस पे करती है, प्रिविलेज फीस पे करती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को अलाउ नहीं होता है। अब एक और चीज समझना, किसी भी नॉन रेजिडेंट को इंडिया में या इंडिया के बाहर किसी को भी सैलरी पे करते हो, तो सैलरी पे टीडीएस टाइम पे काटना बहुत जरूरी है। अगर सैलरी पे आपने टीडीएस नहीं काटा है, काट के आपने टीडीएस की ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाया, रिटर्न फाइलिंग की नहीं, टीडीएस की ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाया, तो उस केस में वो सैलरी आपको अलाउ नहीं होगी। आपने एक दिन भी डिले किया जमा करवाने में टीडीएस, तो वो सैलरी जिंदगी में आपको कभी भी अलाउ नहीं होगी। उसके बाद मैंने बोला कि बहुत बार एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स पे करता है। जो एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है ना, उस पे टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है। तो अगर मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स पे किया, तो वो एम्प्लॉयर को अलाउ नहीं होता है, वो डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि वो टैक्स का अमाउंट है ना वो एग्जेम्प्ट हो जाता है एम्प्लॉय के हाथ में ड्यू टू सेक्शन 1010CC। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट, अगर आप अपने रिलेटिव को पेमेंट करते हो, आप अपने रिलेटिव को पेमेंट करते हो, तो रीजनेबल खर्चा डिसअलाउड होगा, अनरीजनेबल रीजनेबल खर्चा अलाउ होगा, अनरीजनेबल डिसअलाउड हो जाएगा। जैसे मैं मेरी वाइफ को सैलरी देता हूँ महीने का 5 लाख, उसमें से रीजनेबल मान लो 20,000 है, तो 20,000 अलाउ हो जाएगा एंड 480,000 है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। लेकिन यहाँ रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आएगा, इंडिविजुअल के लिए स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। एक पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर एंड उनके रिलेटिव, एक कंपनी के लिए डायरेक्टर एंड उनके रिलेटिव, AOPBOI मेंबर एंड उनके रिलेटिव। एक और चीज समझना, अगर कोई पर्सन है उसका किसी और के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मींस 20% और मोर का शेयर होल्डिंग है, या उसका इसके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, नॉर्मली होल्डिंग सब्सिडियरी वगैरह होती है, तो वो भी आपस में रिलेटिव मानी जाती है। उसके बाद में अगर मान लो एक होल्डिंग कंपनी और उसकी दो सब्सिडियरी कंपनी है, तो वो सब्सिडियरी सब्सिडियरी भी आपस में रिलेटिव मानी जाएगी, और जो भी अनरीजनेबल पेमेंट है वो असेसिंग ऑफिसर क्या कर देगा, डिसअलाउड कर देगा। उसके बाद सेक्शन 43 ये बोलता था कि अगर आप सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल टू मेक द पेमेंट टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे फॉर मोर देन 10,000, फॉर मोर देन 10,000 इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन बाय कैश। मींस 10,000 से ज्यादा का पेमेंट है तो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब से ही करना पड़ेगा। लेकिन आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो तो ये लिमिट है वो 35,000 हो जाएगी। अब एक और चीज समझना, आपको कैसे करना है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी नोटिफाइड। अब एक बात समझना, क्रॉस चेक से किया तो भी डिसअलाउड हो जाएगा, बेरर चेक से किया तो भी आपका डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद में लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि आरटीजीएस से करोगे तो चलेगा, एनईएफटी आरटीजीएस वगैरह करोगे तो चलेगा। एक और चीज समझना, अगर आप पेमेंट जो करते हो वो पेमेंट आरबीआई को करते हो या एलआईसी को करते हो, बैंक्स को करते हो, गवर्नमेंट को करते हो, तो कैश में पेमेंट कर सकते हो। तो अगर आप आरबीआई, एलआईसी, बैंक्स या गवर्नमेंट को कैश में पेमेंट करोगे कितना भी तो चलेगा। या फिर कभी कभी बुक एडजस्टमेंट होते हैं, बुक एडजस्टमेंट क्या होते हैं पता है, कि मैं आपके 10 लाख मांगता हूं, आप मेरे 7 लाख मांगते हो, तो हम क्या करते हैं 7 लाख को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो वो चलेगा, वो तुम्हारा चलेगा, वो कोई कैश पेमेंट नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर मान लो आप किसी किसान को पेमेंट करते हो,
मीन्स आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदते हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट खरीदते हो, फिश प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, या आप एनिमल्स वगैरह खरीदते हो, कैश में पेमेंट करोगे तो चलेगा। जैसे मान लो मैंने किसी किसान से 2 लाख में गेहूं खरीदा, 2 लाख कैश में पेमेंट किया, चलेगा। लेकिन मैं वो गेहूं अगर बिग बाजार से खरीदता हूं तो कैश में पेमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज बिग बाजार इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। उसके बाद में अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेचुटी वगैरह देते हो तो 50,000 तक कैश में पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर आपका एम्प्लॉई है उसको 15 डेज या उससे ज्यादा के लिए वो किसी और प्लेस पे आप उसको डेपुटेशन पे भेज रहे हो, कहीं और भेज रहे हो जो उसका नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी नहीं है, और उसको अगर आप कैश में सैलरी देते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कैश में दे सकते हो। कहीं पे आप ऐसी जगह पेमेंट कर रहे हो जहां बैंक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहां आप कैश में कितना भी पेमेंट करोगे चलेगा। या फिर पेमेंट आप किसी ऐसे दिन कर रहे हो जिस दिन बैंक बंद है और पेमेंट करना जरूरी है, तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। और जो मनी चेंजर वाले होते हैं, देखो मनी चेंजर का काम ही कैश में होता है, तो मनी चेंजर वाले कैश में पेमेंट करेंगे तो चलेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेक्शन 40 सबसेक्शन 7 के ग्रेच्युटी का प्रोविजन अलाउ नहीं होता। देखो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी इज नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स, मैं बताऊं पीजीपीपी में कोई भी प्रोविजन अलाउ नहीं है। आप ऐसे याद रखो, कोई भी प्रोविजन है वो यहां पे अलाउ नहीं होता, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी इज नॉट अलाउड। उसके बाद सेक्शन 43 भी, ये टांग अड़ाने वाली सेक्शन, ये सेक्शन ये बोलती है कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको अलाउ तभी होंगे जब आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक उसका एक्चुअल में पेमेंट कर दिया। अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक उसका एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया तो वो खर्चा आपको इस साल अलाउ नहीं होगा, फिर वो जिस ईयर में आप पेमेंट करोगे उस ईयर में अलाउ होगा। सर ये कौन कौन से खर्चे थे? पहला टैक्स ड्यूटी और सेस। अगर कोई गवर्नमेंट का टैक्स ड्यूटी सेस है, नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आप अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग पे करोगे तो ही अलाउ होगा। दूसरा, अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है एसपीएफ में, आरपीएफ में, एजीएफ में, एएसएफ में या पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो। तीसरा, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय। चौथा, अगर आपने लोन लिया है किससे? शेड्यूल बैंक से। अगर आपने लोन लिया है शेड्यूल बैंक से या पीएफआई से या आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से या एनबीएफसी से, ये एनबीएफसी इसी साल इसमें जोड़ा है, तो एनबीएफसी से भी आपने लोन लिया तो आपको बेटा इंटरेस्ट तभी अलाउ होगा जब आपने ड्यू डेट से पहले पहले इंटरेस्ट का पेमेंट किया। या फिर लीव सैलरी जो है, लीव सैलरी का मतलब होता है लीव एनकैशमेंट, तो ये लीव एनकैशमेंट भी आपको अलाउ तभी होगा जब आपने ड्यू डेट से पहले पहले उसका पेमेंट किया। या फिर आपने कोई रेलवे असेट यूज किए, जो रेलवे असेट है वो रेलवे असेट अगर आप यूज करते हो, रेलवे का जो पैसा है तो उसको आपको ड्यू डेट से पहले पहले इस साल में पे किया तो वो खर्चा इस साल में अलाउ होगा, नहीं तो वो उस साल में अलाउ होगा जिस ईयर में आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे। उसके बाद सेक्शन 43A मैंने बताया था। 43A में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इंडिया के बाहर से कोई असेट खरीदते हो, या तो उधार, इंडिया के बाहर से कोई असेट खरीदते हो उधार, या इंडिया के बाहर से लोन, इंडिया से बाहर से असेट खरीदते हो फॉरेन करेंसी लोन लेके, मैंने क्या बोला, इंडिया के बाहर से असेट खरीद रहे हो उधार, या इंडिया के बाहर से असेट खरीद रहे हो फॉरेन करेंसी लोन लेके, तो जिस टाइम पे आप पेमेंट करोगे और पेमेंट के टाइम पे अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस या गेन होता है, पेमेंट के टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कोई गेन या लॉस होता है तो वो लॉस और गेन आपको ब्लॉक ऑफ असेट में एडजस्ट करना पड़ेगा। जो ब्लॉक ऑफ असेट है उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ तो आप ऐड कर दोगे और गेन हुआ तो आप ब्लॉक ऑफ असेट से लेस कर दोगे। उसके बाद सेक्शन 41 इज अ डीम्ड पीजीबीपी इनकम। उसमें 41(1) में मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लो किसी खर्चे का पहले आपने डिडक्शन ले लिया है और वापस से आपको उसका रिटर्न मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है, रेमिशन हो जाता है, या वो खर्चा पे ही नहीं करना पड़ता तो वापस से वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मैंने पे नहीं किया था, मैंने डिडक्शन ले लिया, अब मेरे लिए मान लो ऐसा कोई सीएम बन गया अरविंद केजरीवाल जैसे, बोला लाइट के बिल पे करने की जरूरत नहीं, तो यहां तो मुझे फायदा हो गया, तो मैंने डिडक्शन तो ले लिया था अक्रूअल बेसिस पे, अब तो वो बिल पे ही नहीं करना तो वो वापस से टैक्सेबल हो जाएगा। दैट इज द सेक्शन 41(1). उसके बाद 41(3) क्या बोलता है, साइंटिफिक रिसर्च की असेट अगर आप सेल करते हो। देखो साइंटिफिक रिसर्च की असेट अगर आप सेल करते हो, दो तरीका, एक तो आप बिजनेस में ला लो अगर यूज होती है तो, अगर आप बिजनेस में लाते हो साइंटिफिक रिसर्च की असेट तो बिजनेस में लाओगे तो ब्लॉक में ऐड करेंगे जीरो वैल्यू से, निल वैल्यू से, क्योंकि डिडक्शन ऑलरेडी साइंटिफिक रिसर्च में 35 में ले लिया होगा, तो अब आप ब्लॉक में उसको ऐड करोगे निल वैल्यू से, और फिर ब्लॉक में से असेट को बेचोगे तो वही वाला बात, पार्ट ब्लॉक, फुल ब्लॉक, ट्रांसफर हुआ उसके जैसा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या करते हो, आप सीधा लेबोरेटरी से असेट बेच देते हो। अगर कोई असेट थी साइंटिफिक रिसर्च की असेट जो लेबोरेटरी से आप क्या करते हो, सीधा बेच देते हो, तो लेबोरेटरी से जब आप सीधा असेट बेचते हो तो उस केस में जो सेलिंग प्राइस है और डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35 विच एवर इज लोअर है वो तो पीजीबीपी का इनकम बनेगा। क्या बोला, सेलिंग प्राइस और डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35 विच एवर इज लोअर है वो पीजीबीपी का इनकम बनेगा, और अगर सेलिंग प्राइस तुम्हारा कॉस्ट से भी ज्यादा है तो उस केस में आपको कैपिटल गेन भी आएगा। बैलेंसिंग चार्ज है और तुम्हारा रिकवरी ऑफ बैड डेट्स वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 44AA है वो आप एक बार घर पे बुक्स किसको बनानी है वो देख लेना। 44AB किसको ऑडिट करवानी पड़ती है, देखो बिजनेस के केस में आपको ऑडिट तब करवानी पड़ती है जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है,
और प्रोफेशन के केस में अगर आपका ग्रॉस एसेट 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ती है। अब एक चीज समझना, 44 एडी और एडीए में अगर आप वो 8% 6% 50% से कम इनकम बताते हो एंड आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तो भी आपको ऑडिट है वो करवानी पड़ती है। और 44 ए ही सेक्शन है अपने सिलेबस में, वो आपको पता है ट्रांसपोर्टर वाला 7500 एनुअल। वो ट्रांसपोर्टर के केस में अगर मान लो वो ट्रांसपोर्टर के केस में वो लिमिट से कम अगर आप इनकम बताते हो तो भी आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, वो अपन आगे जाके देखेंगे। अब सिर्फ आप इतना याद रखो कि बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, प्रोफेशन के केस में अगर 50 लाख से ज्यादा का ग्रॉस रिसिट है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। ऑडिट कौन करेगा? सिर्फ सीए। ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू द ऑडिट। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ ऑडिट? इज 30th सितंबर। अगर ऑडिट नहीं करवाई तो आपको पेनल्टी लग सकती है, कितना पता है? 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 व्हिच एवर इज लोअर। उसके बाद मैंने बोला प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन, सबसे पहले 44 एडी चालू किया था। 44 एडी वो 8% 6% वाला, दैट इज प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। बोलता है पीएनएल वेंडल बनाने की जरूरत नहीं। ये सेक्शन बोलती है कि अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट एचयूएफ है या रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है, बट एलएलपी पे ये सेक्शन नहीं लगती। ये सेक्शन बोलती है कि अगर आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशन नहीं बिजनेस करते हो, बट एजेंसी बिजनेस नहीं होना चाहिए, कमीशन ब्रोकरेज वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए, या 44 ए में दे रखा है वो बिजनेस नहीं, अदर बिजनेस करते हो और आपका टर्नओवर जो है वो अप टू 2 करोड़ है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपको ये पीएनएल वेंडल बनाने की जरूरत नहीं। सीधा पीजीबीपी का इनकम तुम्हारे टर्नओवर का 8%, टर्नओवर का 8% विल बी योर पीजीबीपी का इनकम। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपका टर्नओवर आपने रियलाइज किया है अकाउंट पे ही, चेक से, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से, या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट से और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब, मीन्स अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड, उसमें आपका टर्नओवर आपको ड्यू डेट से पहले पहले अगर रियलाइज हो जाता है तो ये 8% की जगह आप सिर्फ 6% अपना पीजीबीपी का इनकम बताओ। कितना? 6%। तो जैसे हो सकता है कि टर्नओवर आपका 1 करोड़ है, 50 लाख है वो चेक वाला है, 50 लाख है कैश वाला, तो 50 लाख पे 8% और 50 लाख पे आप 6% प्रॉफिट बता सकते हो। अब एक और चीज समझना, जब आप ये 44 एडी लेते हो तो क्या आपको बाकी कोई खर्चे अलाउ होंगे कि नहीं? कोई खर्चे अलाउ नहीं होंगे, ये सीधा पीजीबीपी का इनकम है वो बन जाएगा। क्या आपने पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट दिया वो अलाउ होगा? आंसर इज नो। लेकिन इसमें एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। अगर आप 44 एडी लेते हो तो भी आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन एडवांस टैक्स की एक ही इंस्टॉलमेंट आएगी, दैट इंस्टॉलमेंट इज 15 मार्च, और 15 मार्च तक आपको 100% एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। अब एक और चीज समझना, अगर आप 44 एडी 1 साल लेते हो तो आपको अगले 5 साल भी 44 एडी लेना पड़ेगा। मीन्स एक बार आपने 44 एडी लिया तो अगले 5 साल तक आपको 44 एडी लेना पड़ेगा। अगर वो 5 साल में किसी साल 44 एडी नहीं लिया तो जिस ईयर में आपने 44 एडी नहीं लिया उसके अगले 5 साल तक फिर आप 44 एडी नहीं ले पाओगे। मैंने क्या बोला? अगर आप एक बार 44 एडी लेते हो तो उसके अगले 5 साल 44 एडी लेना पड़ेगा। अगर वो अगले 5 साल में किसी साल 44 एडी नहीं लिया तो उसके अगले 5 साल तक आप फिर 44 एडी है वो नहीं ले पाओगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन इज 44, आफ्टर 44 एडी देयर इज सेक्शन इज 40 बी, बट फर्स्ट कम टू द 44 एडी। 44 एडी सेक्शन क्या बोलती है कि अगर आप प्रोफेशनल हो और आपका ग्रॉस रिसिट अप टू 50 लाख है, आप प्रोफेशनल हो और आपका ग्रॉस रिसिट अप टू 50 लाख है तो आप अपना पीजीबीपी का इनकम बता सकते हो सीधा ग्रॉस रिसिट का 50%। आपको भी ना बुक्स बनानी, ना ऑडिट करवानी, कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या कर सकते हो? 50% अपना प्रॉफिट बता सकते हो। और बेटा यहाँ पे फिर क्या खर्चों के डिडक्शन मिलेंगे? नहीं। पार्टनर को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट दिया वो मिलेगा? आंसर इज नो। लेकिन अगर आपको एडवांस टैक्स तो भरना पड़ेगा, एडवांस टैक्स की एक ही इंस्टॉलमेंट आएगी 15 मार्च, और 15 मार्च तक आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, ये जो दोनों सेक्शन जो थी ना, 44 एडी और एडीए, जो 8% 6% और यहाँ 50% वाली, इन दोनों सेक्शन में आप 8% 6% या 50% या उससे ज्यादा बता सकते हो? आंसर इज कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा बताओ गवर्नमेंट खुश होगी। लेकिन उससे कम बता सकते हो? कम बता तो सकते हो। अगर आप कम बताते हो और आपका नेट टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तो आपको ऑडिट भी करवानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी पड़ेगी। तो अगर आप 8% 6% या 50% से कम बताते हो और आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी पड़ेगी। उसके बाद एक सेक्शन 44 ए था, that is the transporter वाला। ट्रांसपोर्टर के केस में भी एक प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन है। ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन क्या है? दो टाइप के, आपके पास अगर 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है,
मैक्सिमम व्हीकल आपके पास कितने हो सकते हैं? 10। 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है। तो आपकी इनकम कैसे निकालनी? अगर आपके पास हैवी व्हीकल है या लाइट अदर व्हीकल है, हैवी व्हीकल है या अदर व्हीकल, हैवी व्हीकल का मतलब होता है कि ऐसा व्हीकल जिसका कैपेसिटी जो है ग्रॉस व्हीकल वेट, ग्रॉस व्हीकल वेट मीन्स सामान लोड करने के बाद पूरे व्हीकल का वेट है, वो अगर मान लो 12 टन से ज्यादा है, 12 टन से ज्यादा है तो उसको अपन बोलेंगे हैवी व्हीकल। तो अगर आपके पास हैवी व्हीकल है तो हैवी व्हीकल के केस में क्या करेंगे पता है? पर टन का 1000 रुपीज पर मंथ का इनकम, पर टन का 1000 रुपीज पर टन ऑफ द ग्रॉस व्हीकल वेट का 1000 रुपीज पर टन का पर मंथ का इनकम। जैसे मान लो मेरे पास एक व्हीकल है, एक ट्रक है जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 20,000 है, तो पर मंथ का इनकम कितना लिया जाएगा? 20,000 रुपीज है वो लिया जाएगा पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। लेकिन आपके पास अदर व्हीकल है तो उसका 7,500 पर मंथ लिया जाएगा, वो कितने भी टन का उससे फर्क नहीं पड़ता, 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है वो आपको लिया जाएगा उसका इनकम। क्या आप से कम इनकम बता सकते हो? बता तो सकते हो, लेकिन आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बनानी पड़ेगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? इसके जो क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक बात समझना, अपन ने एक सेक्शन 40B लिया था। 40B क्या बोलता था कि अगर आप पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन कमीशन वगैरह देते हो, इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन देते हो पार्टनर को, फर्म जो देती है, क्या फर्म को अलाउ होता है? फर्म को अलाउ तो होता है। उसमें कुछ कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि रेम्यूनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को दिया तो ये अलाउ है, स्लीपिंग पार्टनर को दिया तो अलाउ नहीं है, बट इंटरेस्ट दोनों को दिया तो अलाउ है, बट रेम्यूनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को देना चाहिए। अब एक और चीज समझना, वो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट जो है वो पार्टनरशिप डीड से ऑथोराइज होने चाहिए, मींस पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज समझना, रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट आप प्रोस्पेक्टिवली दे सकते हो, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं दे सकते। आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं दे सकते, प्रोस्पेक्टिवली दे सकते हो। जैसे आज डीड चेंज हुआ तो आज के बाद आप रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट दे सकते हो, पीछे से नहीं दे सकते। उसके बाद में रेम्यूनरेशन मैक्सिमम कितना दे सकते हो और इंटरेस्ट कितना दे सकते हो। देखो इंटरेस्ट जो पार्टनर को पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर लोन पे देते हो, मैक्सिमम 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से दे सकते हो, मैक्सिमम 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से दे सकते हो। लेकिन रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हो पता है? बुक प्रॉफिट बेसिस। पहले आप बुक प्रॉफिट निकालो। बुक प्रॉफिट किसको बोलेंगे पता है? पीजीबीपी इनकम जस्ट बिफोर रेम्यूनरेशन, मतलब रेम्यूनरेशन लेस करने से पहले वाला जो पीजीबीपी का इनकम आएगा दैट इज बुक प्रॉफिट। उस बुक प्रॉफिट का पहले 3 लाख तक का जो बुक प्रॉफिट है ना उसका 90% करो। 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट का 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर एंड बैलेंस बुक प्रॉफिट का 60%, ये अलाउएबल रेम्यूनरेशन आएगा। अब देखो अलाउएबल रेम्यूनरेशन से एक्चुअल रेम्यूनरेशन अगर ज्यादा है तो जो अलाउएबल रेम्यूनरेशन है उतना रेम्यूनरेशन फर्म को अलाउ होगा, बट अलाउएबल रेम्यूनरेशन से एक्चुअल रेम्यूनरेशन कम है तो जितना एक्चुअल रेम्यूनरेशन है वो आपका पूरा अलाउ हो जाएगा, पूरा आपका रेम्यूनरेशन है वो अलाउ हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर पार्टनर को जब इंटरेस्ट देते हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं तो वो 12% ही अलाउ होता है, लेकिन वो पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं किसी और के लिए, मतलब किसी और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं और वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पार्टनर है, तो उस केस में जितना इंटरेस्ट है वो पूरा अलाउ हो जाएगा। या फिर वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे पार्टनर है और उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो जितना इंटरेस्ट है वो अलाउ हो जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है वो आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक पीजीबीपी। ये मैंने आपको पीजीबीपी का रिविजन करवाया, कम से कम 2-4 बार 5 बार को सुनोगे और उसके साथ में क्वेश्चन करोगे। गाइस अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, गिव योर 100% और अभी आप ज्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे टाइम खराब नहीं करोगे, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम है वो सब थोड़े अनइंस्टॉल कर दो और सिर्फ एंड सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। बिकॉज देखो ध्यान रखना, इंटर क्लियर किया तो ही आप सीए में एंट्री हुई, ये ध्यान रखना, एंट्री तभी होगी जब आप इंटर क्लियर करोगे, ठीक है? सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में, रिविजन लेक्चर में अपन मिलते हैं। और एक और चीज बताऊं मैं आपको, जो रिविजन लेक्चर में चेंज नहीं है वो मैं वही अपलोड करने वाला हूं, तो अभी आगे के रिवीजन लेक्चर है मैं वही वाले अपलोड करूंगा जो पुराने मैंने डाले थे लास्ट अटेम्प्ट के लिए, बिकॉज उसमें कुछ चेंज ही नहीं है। एक चीज याद रखना, सैलरी में कोई चेंज नहीं है रिवीजन लेक्चर में, बट एक चीज का चेंज है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वालों को पहले मिलता था वो 40,000 था, इस साल से वो 50,000 हो गया है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो पहले 40,000 था, इस साल से वो 50,000 हो चुका है, सिर्फ इतना चेंज है, बाकी वो का वो है। थैंक्स अ लॉट पीपल, तो मैं आपको वही वाला रिविजन लेक्चर सैलरी के लिए दूंगा जो पहले वाला है। तो आप एक चीज सिर्फ ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था 16 सेक्शन वाला, अर्लियर इट वॉज 40,000, फॉर योर एग्जामिनेशन इट इज अ 50,000।